नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चोको चिप्स। इसके लिए आप यहाँ पे हैप्पी हैप्पी के बिस्किट ले सकते हैं या कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। और आप अब इनको तोड़ लें। तोड़ने के बाद इनको ग्राइंडर जार में एक इनका फाइन पाउडर बना लें। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें आधी चम्मच कॉफ़ी डाल लें, इनको मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा करके, अब हम इससे चम्मच की सहायता से इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। एक साथ पानी इसमें ना डालें। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं डाल रही हूँ इस प्रकार से आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। जब ये हमारा पेस्ट सब बनकर तैयार हो जाए, तब आप इसको 2-3 मिनट के लिए इसे मिक्स करें, घुमाते रहें। जब ये हमारा फ्लपी सा हो जाए, तब आप एक कोई भी थैली ले लें, दूध की हो या छाछ की हो, इसे धोकर सुखा लें। सुखाने के बाद आप एक ग्लास पर रखकर इसको इस तरीके से फैला लें। ये देखिए इस तरीके से हमें इस थैली को फैलाना है। अब जो हमारा मिक्सचर था, अब हम इस मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। जब ये मिक्सचर हम सारा इसमें डाल देंगे, तब इसको चारों तरफ से पिन्नी को उठाकर आप एक रबड़ की सहायता से इसको मुंह को बंद कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बंद कर दिया। अब आगे से कैंची की सहायता से थोड़ा सा इसमें इसका छेद कर दीजिए, काट दीजिए। और वाटर पेपर पर आप इसको छोटे छोटे डॉट से बनाकर आप चोको चिप्स तैयार कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारे चोको चिप्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। दूसरे भी बटर पेपर पे मैंने थोड़े चोको चिप्स डाले हैं और थोड़ी सी चोको स्टिक डाली हुई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्टिक हैं, ये केक सजाने में किसी भी काम में आप इनको ले सकते हैं। ये देखिए, जरा से पेस्ट में मेरी बहुत सारे चोको चिप्स बनकर तैयार हैं। आप इन्हें 3-4 घंटे के लिए धूप में रख दें, इनकी लाइफ टाइम बढ़ जाता है, इसलिए इनको धूप में सुखाना ज़रूरी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे सारे चोको चिप्स सूख गए हैं और चम्मच की सहायता से अब मैंने इन्हें निकाल रही हूँ। देखिए कितने इजीली और कितने अच्छे लग रहे हैं ये, और इजीली तरीके से ये निकल रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर और कितने प्यारे लग रहे हैं और कितना अच्छा कलर इनका आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे चोको चिप बनकर तैयार हैं। एक बिस्किट के पैकेट में, 10 रुपये के बिस्किट के पैकेट में मेरे कितने सारे चोको चिप्स बनकर तैयार हुए हैं। ये दूसरे वाले बटर पेपर के चोको चिप्स हैं, इनको भी मैं चम्मच से निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरे निकल गए हैं और अब हम इनको भी उसी प्लेट में मैं निकाल लूँगी। ये देखिए कितने सारे चोको चिप्स मेरे बनकर तैयार हुए हैं और मैंने स्टिकों को भी निकाल लिया है। ये देखिए, ये मेरी स्टिक है, इनको आप केक सजाने में, पेस्ट्री सजाने में, किसी भी चीज़ में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी चोको स्टिक है, इनको भी आप इनको किसी भी काम में ले सकते हैं। एक ही बैटर से मैंने 2 चीज़ें बनाई हैं फ्रेंड्स। ये देखिए स्टिक भी कितनी सुंदर और कितने प्यारे कलर की आई है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।